सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देश के 34 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरा जाए। ऐसे मुश्किल टाइम में कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर की कल्पना सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते थे। हालांकि आजादी से पहले ही 1940 के दशक में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर और प्रीमियर जैसी कंपनियों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन तब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस समय लोग खाने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे वक्त में इन कस्टमर्स को अपनी ओर कैसे लाया जाए। 1950 से 1960 के दशक के दौरान आयात पर व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण समग्र उद्योग धीमी गति से आगे बढ़ा। 1960 से 1980 के दशक तक भारतीय बाजार में हिंदुस्तान मोटर्स का दबदबा रहा। हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर ने पूरे खेल को इधर से उधर पलट दिया। इसने भारत में पहले से कारोबार कर रही फोर्ड और फिएट को खुली चुनौती दी और देखते ही देखते हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर कार स्टेटस सिंबल बन गई। हालांकि हिंदुस्तान मोटर्स नाम का सूरज दशकों तक भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के आसमान पर चमकता रहा। इसे सबसे पहले चुनौती 1980 के दशक के दौरान मिली जब कैनवस में मारुति का रंग चढ़ा। साल 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड स्थापित हुई। कंपनी ने साल 1983 में मारुति 800 को लॉन्च किया। ये वो कार थी जिसने भारतीय ऑटो मार्केट में क्रांति ला दी। इसने भारत की बहुत बड़ी आबादी का कार में सफर करने का सपना पूरा किया। ये उतनी सफल कार रही जितनी किसी कार की सफल होने की कल्पना की जा सकती है। इसके बाद साल 1991 आया और पूरे भारत के उद्योग को एक नया आयाम मिला। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खोल दिए। यहाँ से भारत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति पर भारत आगे बढ़ा। इसका फायदा ऑटो उद्योग को भी हुआ। इससे जिन कार निर्माताओं को पहले की कठोर नीतियों के कारण भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं थी, उनके रास्ते साफ हो गए। इसी दौरान लगातार हो रहे आर्थिक सुधारों के बीच हुंडई और होंडा जैसी प्रमुख विदेशी कंपनियां भी भारत में आ गई और ऑटो इंडस्ट्री के विस्तार में योगदान देने लगी। 1997 में टोयोटा ने किर्लोस्कर ग्रुप के साथ भारत में व्यापार शुरू किया। फिर 2003 में सुजुकी ने मारुति में निवेश किया और इसका मालिकाना हक सरकार से सुजुकी के पास चला गया। ऐसे ही साल 2000 से 2010 तक के बीच लगभग हर बड़ी कार कंपनी ने देश के विभिन्न हिस्सों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खड़ी कर दी। इस दौरान टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी मजबूत हो चुकी थी। टाटा मोटर्स ने 1998 में पहली पीढ़ी की सफारी 7-सीटर लॉन्च की और महिंद्रा ने अपनी ऐतिहासिक एसयूवी स्कॉर्पियो को साल 2002 में लॉन्च किया था। दोनों ही कंपनियों के लिए ये मॉडल गेम चेंजर साबित हुए। अप्रैल 1932 में एयर इंडिया का जन्म हुआ था। उस समय के उद्योगपति जेआरडी टाटा ने इसकी स्थापना की थी, मगर इसका नाम एयर इंडिया नहीं था। तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूं तो साल 1932 में हुई थी, मगर जेआरडी टाटा ने वर्ष 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौक के तौर पर उड़ाया था जब वो सिर्फ 15 साल के थे। जेआरडी टाटा ने बाद में अपना पायलट का लाइसेंस लिया, मगर पहली व्यावसायिक उड़ान उन्होंने 15 अक्टूबर को भरी जब वो सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज को अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई ले गए थे। इस उड़ान में सवारियां नहीं थी बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। ये चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज द्वारा कराची लाई गई थी। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राष्ट्रीय विमान वाहक हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को बहाल किया गया तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। आजादी के बाद यानी साल 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी ले ली थी। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन बोरी बंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। ये साहिब सुल्तान और सिंध नामक तीन इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। इसकी फॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी 16 अप्रैल 1853 को की गई थी, जब लगभग 400 यात्रियों को लेकर 14 रेल के डिब्बे लगभग दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच रवाना हुई थी। ये शाम लगभग 4:45 बजे ठाणे पहुंची थी, यानी ये सफर इस ट्रेन ने 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया था। इसके बाद भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी प्रेजेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी यानी के डायरेक्ट करंट पर विद्युतीकृत किया गया था।
इसे तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। फिर 1947 में भारत में ब्रिटिश राज का तो अंत हुआ, लेकिन देश को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिससे रेलवे पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि नवनिर्मित 40% से अधिक नेटवर्क पाकिस्तान में चले गए थे। इसके बावजूद भी रेलवे नेटवर्क के मामले में तीसरे पायदान पर भारत का नाम शुमार है, जिसका रेल नेटवर्क करीब 68,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साल 2020 में करीब 8 अरब लोगों ने रेल के जरिए यात्रा की।